আসলে অনেক সুন্দর এবং অনেক লাইক দেরি আছে আমরা খুবই এনজয় করি আর ড্রিং একটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ অনেক সময় বড় কথা হচ্ছে যে ট্রেনটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ইন্ডিয়াতেই তৈরি স্বাগতম সবাইকে বিচ্ছু রিঅ্যাকশনে আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আবারও নতুন ভিডিও শেয়ার করতে আর আজকে যে ভিডিও দেখব সেই ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে ট্রেন 18 এক্সক্লুসিভ ইনসাইড ইন্ডিয়াস ফাস্টেস্ট ট্রেন আর এই ভিডিওটি আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছে বিলাস সরকার আমরা এই ভিডিওটি নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল ফ্লাইং বিটস থেকে তো ওনাদের ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটিও দেখে নিতে পারেন তো চলুন এই এক্সক্লুসিভ ট্রেনটি আমরা দেখে আসি रेलवे का सीमेंट का गोडाउन है ना क्या भैया निकालेंगे कैसे गाड़ी कैसे पत्थर हटाना है वाला सारे ट्रेन यार्ड ये देख सकते हैं बगल में सारी ट्रेन यार्ड है वो ट्रेन यार्ड है आईडब्ल्यू काम चल रहा है डिस्क ब्रेक्स नॉर्मल शैया को नहीं पकड़ते हैं जैसे बाइक्स में होता है ये डिस्क को क्लच करते हैं एंड दिस गिव्स मच एफिशिएंट ब्रेकिंग इसकी जो डोर्स भी है ना वो फ्लश्ड है ताकि ड्रैग कम हो व्हेन इट गोज ऑन हायर स्पीड वाह इंजीनियर साहब इतना प्राउड क्यों फील हो रहा है इट्स ऑल मेड इन इंडिया हां इज आल्सो मेड इन इंडिया तुम भी मेड इन इंडिया हो ना तो गाइस ये जो कोचेस को ज्वाइन किया गया ये भी टर्बुलेंस कम होता कि इसको फ्लश किया गया और अंदर से पता ही नहीं चलता झटके भी कम आए से और अंदर से पता ही नहीं चलता कि आपका केबिन पास हो गया सो अभी गाड़ी में प्रेशर बन रहा बिकॉज ये डोर खोलने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर चाहिए अभी प्रेशर बिल्ड हो रहा है जैसे प्रेशर बिल्ड होगा आपको अंदर से भी दिखाएंगे कि कैसा होता है ट्रेन अपने बारे में थोड़ा बताओ तो इन्होंने अरेंज करवाई है मैंने बहुत टाइम से कहा था कि मेरे को ट्रेन 18 देखनी क्योंकि मेरे को बहुत पसंद था कि एक बार ये देखें कि मेड इन इंडिया 100 करोड़ की लागत से बनी है ट्रेन चेन्नई में बनी है और 100 करोड़ की लागत में ये बहुत अच्छा और सस्ता माना जाता है कि 16 डिब्बे उन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिए 100 करोड़ की लागत में 100 करोड़ माने 100 कोटी वो ऑटोमेटिक क्या बात है सो गाइस अब हम जा रहे हैं आई थिंक वी आर द फर्स्ट वंस टू गो इनसाइड द फेमस ट्रेन 18 कोच हैज टू सो ड्राइवर से बात कर सकते हैं आप हैं ड्राइवर का तो कपड़ा वाला जा रहे थे अरे वाह अपने आप खुल रही है सो गाइस अब आप देखेंगे ट्रेन 18 का कैबिन इट इज बेटर देन द एयरक्राफ्ट कैबिन पूरा जहाज है जहाज ये देखो लिटरली इट्स सो गुड मतलब इतनी ज्यादा प्राउड फीलिंग आ रही है ना फर्क क्या है लेग स्पेस बहुत ज्यादा है कितना सारा स्पेस है बैठ के देख बेटा बैठ के ये देखो ओ भाई साहब मैं तो एक बंदा लटा दूं यहां पे ऐसे जिंदगी की मुझे तुम ले रही हो बेटा सही बता रहा हूं ये मतलब हर कोच की पेंट्री उसी कोच में हर कोच की पेंट्री ओह सो दिस इज अपना एयरक्राफ्ट वाली तो मूवमेंट जो होता है वो बंद हो जाएगा हां बेसिकली कोच टू कोच मूवमेंट होता है ना बहुत ज्यादा वो बंद हो जाएगा तो ये पेंट्री है इसी कोच की इसी में रहेगा सामान ऊपर गरम ठंडा जो भी है नीचे खाने का ट्रे वगैरह सब सो नो मोर हैसल की कोच से दूसरे कोच तक पेंट्री को मूव करो लेकिन एक चीज समझ नहीं आई हां अच्छा अच्छा ये वाले टीवी उन लोगों के लिए मैं वही सोच रही थी पीछे की तरफ टीवी क्यों लग रहा है अरे मैंने अभी देखा ना बैठ के देखो हाय मुझे आप पहले पैसेंजर आप क्या बोलना चाहेंगे इट्स वेरी कंफर्टेबल और खासकर जो एजेड लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये अच्छा है ना पीछे बैक में जो कर्व का ध्यान रखा गया है वो भी रखा गया है प्लस सीट में जो आपकी ये कुशन है ये वाला एयरक्राफ्ट वाली सीट्स की तरह ही है दे टोल्ड अस कि जो कंजेस्टेड है ये कंफर्टेबल है मटेरियल वगैरह पापा वो जो एयरक्राफ्ट की अच्छा पापा वही जो स्पेन से ही बन के आया है अरे वाह बंद करो एक बार ये सर्विस करने के लिए अरे वाह पॉकेट दिया हुआ है अरे तो पूरा जहाज ही बना दिया पूरा और ये बॉटल वगैरह रखने के लिए तो फुट रेस्ट है अरे वाह बंद है अभी टच बेस्ड है बहुत रिकॉर्ड टाइम में बनी है वो टच पापा टच बेस है पापा ये मेटालिक है तो आपके शरीर से पकड़ता है इलेक्ट्रिसिटी हल्का सा कुछ वहाँ फंडा होगा ग्लास विंडोज में व्यू भी कितना अच्छा आएगा और ये देखो यहाँ पे भी कैमरे हैं कैबिन में भी कैमरे लगे हुए हैं ये देखो कर्टेंस अरे वाह यू फील प्राउड एक्चुअली यार मैं भी तो बैठ के देखूं जरा इतनी तारीफ हो रही है जो
वाओ पायलट साहब को मिली या सीट कैसे ओपन करेंगे नहीं मिला रिक्लाइनिंग कैसे ऐसे तो ये पकड़ गया पहले आप फिर आप ये वो आगे पीछे होती है ऐसे कार में होता है ये पकड़ के बेस्ट मेरे को ये लगा यार ये चीज यहाँ पे मजे करते हैं कोच में जो ट्रांजिशन है एक कोच से दूसरे कोच बहुत ही ज्यादा सीमलेस है तो मैं खड़ा हूँ इस तरफ मानस खड़े कोच के उस तरफ और सीमलेस ट्रांजिशन है इनको जो जो कोच का डिवाइडर है उसको कवर कर दिया गया है और बाहर से आपको दिखाता कैसा होता है सो कोई भी दिक्कत नहीं है ना मेट्रो में बेसिकली हिलता है अपनी जो नॉर्मीटर है ऊपर करना पड़ता है उसको उसमें ऊपर का नॉर्मीटर में तो साइड से पानी गिरता है उसमें एक साइड में वेस्टर्न एक साइड में इंडियन है भाई क्या बता रहे थे आप इस ट्रेन की खासियत क्या है क्या होने वाला है इसमें इसमें नहीं मतलब स्टेशन पे स्टेशन को चारों तरफ से बंद करेंगे जैसे एयरपोर्ट पे होता है अच्छा सिक्योरिटी के लिए हाँ सिक्योरिटी सो जब आपको एक दो घंटे पहले ही आना पड़ेगा ट्रेन 18 में जो ट्रैवल करेंगे उसको कम से कम ये नहीं कि हमारे तरह नहीं कि बस ट्रेन चालू होने वाली 5 मिनट पहले आ गए फॉर सिक्योरिटी रीजन तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं इसके एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रेन 18 के जिसकी की सीट्स रिवॉल्विंग है वो दिखाएंगे आपको हर सीट का मोबाइल चार्जिंग है ब्लैक कलर के नीचे जो सॉकेट है ये सॉकेट अच्छा ये कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा मूंगफली खा के यही फेंकेंगे सब लोग कोच में कोई नहीं फेंकेगा मूंगफली बड़ी फेवरेट है स्पेशली यूपी वालों की मूंगफली खाएंगे ट्रेन में जो वॉशरूम ऑक्यूपेंसी है वो दिखाता है कि भाई कोई है तो मत जाइए पूरा एयरक्राफ्ट वाला मतलब पूरा एयरक्राफ्ट वाला फंडा है सो गाइस अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं ये है एग्जीक्यूटिव क्लास के साथ दो डब्बे है ना दो डब्बे एग्जीक्यूटिव क्लास के बाकी फिर हो गए 16 महीने 14 नॉर्मल डब्बे हैं और दो एग्जीक्यूटिव क्लास है सो दिस इज एग्जीक्यूटिव क्लास नॉर्मल क्लास में कॉन्फ़िगरेशन थी तीन सीटें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है दो सीटें कैसा है आपका रिव्यू एग्जीक्यूटिव क्लास बिजनेस क्लास बिजनेस क्लास लेकिन जो सर्विस क्लास लोग हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं बिजनेस क्लास में ट्रेन का डायरेक्शन जहाँ होगा ना वहाँ घूम जाएंगी सीटें आपको चेंज करना है अरे वाह ये देखो यार ये होती है ट्रेन ओहो तो जैसे आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप एक दूसरे को फेस करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट रिवॉल्व इट ये देखो आप ऐसा रख लो ऐसे भी देख सकते हैं लॉक नहीं होगी बैठो लेकिन अगर फैमिली ना हो मान लो पीछे को अच्छी लड़की बैठी तो भी घुमा सकते हो तो मेरे को बेस्ट फीचर लगा इस सीट घुमाने का तो मैं एग्जीक्यूटिव क्लास में चार्जिंग पोर्ट आपके साइड में लगे ट्रेन 18 है पूरा पीछे तक दिख रहा है कॉरिडोर थ्रू कॉरिडोर और ये इस साइड का पूरा थ्रू कॉरिडोर मजा आ गया स्पेशली आई लव द फीचर जहाँ पे उन्होंने सीट घुमाई आपके हिसाब से बेस्ट फीचर क्या है ट्रेन 18 का मुझे एक पढ़ना रिवॉल्विंग वन ना मेरा दिल जीत लिया ट्रेन ने वहाँ पे ऋतु व्हाट वाज द
बेस्ट पार्ट यार, एक तो रोटेटिंग चेयर और दूसरा बच्चे की मतलब स्पेस बहुत ज्यादा है, बच्चे को बच्चे के लिए आप वो वाली सीट ले सकते हो जिसमें आप ट्रे पे बच्चे को बिठा सकते हो। बच्चा तो आपको दो ही आते हैं। एक मिस्टेक हो गई गलती से, इकोनॉमी की कॉन्फ़िगरेशन है 3-2, मतलब की एक साइड 3 सीट है, एक साइड 2 सीट है जैसा आप देख सकते हैं, और प्रीमियम की बिजनेस की जो भी बोलना चाहे 2-2। हाथ ऊपर करके जाएंगे अपने आप फर्स्ट कोच में जो इंजन के साथ है, दे हैव मेड अ स्पेशल स्पेस फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल। हर चीज को ध्यान में रखा गया है। सो ये जो वॉशरूम है, बड़ा वॉशरूम है, इसमें पूरी व्हीलचेयर आती है, ध्यान बहुत रखा रेलवे ने हर चीज का। अब जा रहे हैं हम इंजन में, स्टीम इंजन में अंदर चले जाओ तो बिना कपड़े गंदे के नीचे नहीं उतर सकते। एयरक्राफ्ट में गियर होते हैं तो वही सवाल आपसे, मतलब ट्रेन में क्या एक सिंगल होता है कि क्या होता है? गाड़ी में एक्सेलेरेटर होता है ना, जैसे आप ऑटोमेटिक कार्स जो होती है हां 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 ऑटो गियर, उसमें गियर तो होते हैं हां हां, बट द सिस्टम टेक्स केयर ऑफ इट, सिस्टम टेक्स केयर ऑफ एवरी। ओके ओके, सो गाइस ये था इंजन। क्या बात है, वाओ, ये पहली महिला है ट्रेन का दरवाजा खोलने वाली। प्लेटफॉर्म पे आती है ना, तो यहाँ पे लग जाएगा ना। ये है भारत की शान ट्रेन 18, बहुत ही अच्छा टूर था। थैंक यू मानस। अब हम आपको टूर देते हैं लोकल ट्रेन का, तो ये है हमारी लोकल ट्रेन। उसके बाद यहाँ आने में ऐसा लग रहा है ये कहाँ आ गए। সবাই একসঙ্গে আসলে ট্রেনটাকে দেখতে গিয়েছে, যে 100 কোটি টাকা খরচ করে একটা ট্রেন হয়েছে এবং ট্রেনটা কত সুন্দর, এবং ট্রেনটা আসলে অনেক সুন্দর এবং অনেক লাক্সারিয়াস, আমরা খুবই এনজয় করেছি ভিডিওটি। হ্যাঁ, এবং জানতে হবে আসলে এই ট্রেনটা কোথা থেকে কোথায় যায়, এই ট্রেনটা আসলে ভ্রমণ করাও দরকার, কেননা এই ট্রেনের সবচাইতে আকর্ষণীয় জায়গা হচ্ছে, আমার কাছে স্পেশাল মনে হচ্ছে যে সিটটা রোটেট করা যায়, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। কেননা অনেক সময় দেখা যায় যে আমি টিকিট কেটেছি কিন্তু আমাকে ট্রেনে ব্যাক সাইড হয়ে যেতে হচ্ছে, কেননা আমার সিটটা পড়েছে তখন ট্রেন যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টা পাশে, তখন আসলে অনেক সময় আমার মাথাও একটু ঝিমঝিম করে কিংবা না অনেকেরই প্রবলেম হয়। তাছাড়া যখন অনেকগুলো ফ্রেন্ড একসঙ্গে যাওয়া হয় তখন দেখা যায় পিছনে বসে আছে কেউ, কেউ সামনের দিকে ফিরে আছে, তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে না, এটা খুবই সুন্দর একটা জিনিস হয়েছে যে আড্ডা দিতে পারবে সবাই একসঙ্গে যেতে যেতে। আর আরো একটা ব্যাপার হচ্ছে যে সবকিছুই কিন্তু অটোমেটেড, হ্যাঁ অটোমেটেড, তো সেখানে এই জিনিসটা এত সুন্দর ছিল। আর ওয়াশরুমটা তো মাই গুডনেস, আমার কাছে সবসময় ওয়াশরুমটা একটা প্রায়োরিটির ব্যাপার মেয়েদের জন্য, ছেলেদের জন্য আছে, বাট সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে ওয়াশরুমটা খুবই সুন্দর ছিল এবং খুবই সুন্দর ছিল। এবং প্রত্যেকটা বগিতে কিন্তু সিসিটিভি আছে, এবং সেই সব সিসিটিভির ক্যামেরা দিয়ে যিনি ড্রাইভিং করবে উনি কিন্তু দেখতে পাচ্ছে আসলে কোনো বগিতে কোনো প্রবলেম আছে কিনা। আচ্ছা, ব্যাপার দেখেছো যে করিডোরটা কিন্তু একদম সামনে থেকে দেখলে পিছনের বরাবর সমস্ত করিডোরটা দেখা যাচ্ছে, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার, মানে পুরো পিছনটা পর্যন্ত, হ্যাঁ পিছনটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, স্পেসটা অনেক সুন্দর। আর তাছাড়াও যেমন মনিটর সামনেও লাগানো ছিল, পিছনের দিকেও ছিল, যারা অন্যদিকে ঘুরে থাকবে তারাও টেলিভিশন দেখতে পায়। আর আরেকটা ব্যাপার, আমরা যেমন দেখেছি যে অ্যারোপ্লেনে যেটা হয় যে সামনে অনেকটা জায়গা থাকে খাবারের প্লেট প্লেট রাখার জন্য জায়গা থাকে, ওটা অনেক সুন্দর ছিল। চার্জিং একটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ প্লেনে কিন্তু চার্জিং এর ব্যবস্থা এইভাবে থাকে না, ইউএসবি পোর্ট দেওয়া থাকে, এবং এখানে কিন্তু টোটালি পোর্ট দেওয়া হয়েছে, সো আমি চাইলে চার্জিং ছাড়াও আমি অন্য কোনো ডিভাইস ইউজ করতে পারি, ল্যাপটপ ইউজ করতে পারি, মোট কথা আমি আমার প্রয়োজনীয় পাওয়ারটাকে ইউজ করতে পারবো। এটা একটা জিনিস ছিল আমার কাছে। আরেকটা জিনিস ভালো লেগেছে যেটা হচ্ছে তোমার সিটের পিছনে কিন্তু একটা ছোট ডাস্টবিন ছিল, যেটা
বেসিক্যালি টাচ করলে বের হয়ে আসছিল, আমার কাছে মনে হয়েছে যে সিটের পিছনে ছিল এবং ওখানে ময়লা ফেলানোর জায়গা ছিল, ওটা আমি আসলে এটা খেয়াল করিনি এটা কোথায় ছিল। আমি দেখেছি ডাস্টবিন ছিল ওয়াশরুমের এই পাশে কোন একটা জায়গায়, এটা সিটের পিছনে ছিল একটা জায়গাতে হয়তোবা ছিল, আমি আসলে ট্রেনটা দেখে বেশি অভিভূত হয়ে গেছি। কেন ট্রেনের সবকিছু টাচ সবই মডার্নাইজ করা, এবং যখন প্ল্যাটফর্মে যাচ্ছে তখন যেন মানুষজন যখন নামে প্ল্যাটফর্ম এবং ট্রেনের মাঝখানে যে স্পেসটা থাকে সেখানে যেন স্পেস না থাকে, সেজন্য যখনই ট্রেনের দরজা খোলা যাচ্ছে তখনই কিন্তু একটা সিঁড়ি এক্সটেন্ড হয়ে যাচ্ছে, এবং সিটের এক্সটেন্ড এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ অনেক সময় বসে থাকতে থাকতে মানুষের কিন্তু খারাপ লাগে, তখন একটু হেলে থাকতে চায় কেউ। আবার আরেকটা ব্যাপার যারা ওনারা দেখালো যে সিটটা এমন ভাবে করা হয়েছে যাতে তুমি পিঠে ব্যথা না পাও লং জার্নির ক্ষেত্রে, এটা আমার সাপোর্টটা অনেক সুন্দর ছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ট্রেনটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ইন্ডিয়াতেই তৈরি, তো সে কারণে আমি বলবো যে এটা তাদের জন্য আসলে একটা প্রাউডের ব্যাপার যে অনেক সুন্দর একটা ট্রেন 18 ট্রেনটার নাম দেওয়া হয়েছে যে ট্রেন 18 এক্সক্লুসিভ। মজার ব্যাপার হচ্ছে তারা যখন ট্রেনটা থেকে কিন্তু নেমেছে তখন কিন্তু অন্য যে লোকাল ট্রেনে, আমি মনে করেছিলাম যে তারা হয়তো ওই ট্রেনে বাড়ি ফিরবে, এই ট্রেনটা রিভিউ দিচ্ছে এবং এই ট্রেনটাতে তারা হয়তো বা কোথাও যাবে এরকম মনে করেছিলাম। আসলে দুইটা ট্রেনের ডিফারেন্ট এত মানে চোখে পড়ার মতো, মানে আকাশ পাতাল তফাত। তো এটা অবশ্যই দুইটা আসলে দুই ধরনের ট্রেন, এটা হচ্ছে একেবারে লোকাল ট্রেন আর সেটা হচ্ছে একদম এক্সক্লুসিভ একটা গর্জিয়াস ট্রেন। হ্যাঁ, এটা একটা জিনিস ছিল। আর আরেকটা জিনিস আমার চোখ এড়ায়নি যেটা, সেটা হচ্ছে যে কিন্তু ট্রেন লাইনের আশেপাশে ময়লা কিন্তু সব জায়গাতেই থাকে, আমাদের দেশেও একই অবস্থা আর সেখানেও অবস্থা এরকমই। মানুষ একটু সচেতন হওয়া উচিত যে ময়লা যেখানে সেখানে না ফেলানো, কারণ ট্রেনের মধ্যে এত সুন্দর ব্যবস্থা রেখেছে। আমার মনে হয় ট্রেনের বাহিরেও আমাদের দেশেও যেমন আছে ডাস্টবিন আছে, মানুষ যদি একটু সচেতন হয় ডাস্টবিনে ময়লাগুলো ফেললে আশেপাশের পরিবেশটা নোংরা হয় না। তো ওভারঅল ভিডিওটি ভালো ছিল আমাদের জন্য। তো আজকের এই ভিডিওটি আমাদের ভালো লেগেছে, আর যদি আজকে আমাদের রিয়াকশনটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি।